डबल मर्डर खुलासा। 1 फरवरी 2019 को दो लड़कियों के शव बिजली के पोल पर लटकने मिलने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया। पसकवा थाना इलाके के जीरा भोजी गांव के एक खेत में हुई इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि लड़की से अवैध संबंध बनाने वाला चाचा निकला। इसने किसी और को अकेले में लड़की किसी अन्य लड़के से गुटखा लेने की जानकारी से तिलमिला गया था। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जानकारी हत्या की जानकारी किसी अन्य को ना हो इसके लिए उन्होंने जानबूझकर बचाकर भाग की। दूसरी लड़की को की भी हत्या कर घटना को खुदकुशी साबित करने के लिए दोनों को दुपट्टे के सहारे बिजली के पोल पर लटका दिया। लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना इलाके के जीरा बोजी में रहने वाली 13 साल की राजनंदिनी और अंजनी 12 साल 1 फरवरी को घर से बकरी चराने निकली थी लेकिन जब देर शाम तक लड़कियां घर नहीं पहुंची तब घर के लोगों ने इन्हें खोजना शुरू किया और खोज के दौरान इन दोनों नाबालिगों के शव गांव के पास एक खेत में लगे बिजली के पोल पर लटकते हुए मिले। पुलिस ने शव बरामद करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था जिसमें इन दोनों की हत्या गला दबाने से होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दो दिन में ही कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए खुलासा कर दिया। पूरे मामले में एक लड़की के चाचा सहित दूसरी लड़की के भाई को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल एक शख्स को भी पुलिस ने हत्या में दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से दुपट्टा, चप्पल, कंघी, हेयर बैंड, गुटके के रैपर बरामद किए। उत्तर प्रदेश ब्यूरो, दुष्यंत सिंह वर्मा की खास रिपोर्ट।